दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए डाक विभाग की नई सीधी बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 5,778 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। बिना एग्जाम की भर्ती है, ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी के भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये नई भर्ती निकली है। ग्रामीण डाक सेवक GDS की यहाँ पर भर्ती है। 5,778 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो आप चेक कर सकते हो। OBC के लिए इसमें 1,328 खाली पद है। PHHH के लिए 86 है, PHOH के लिए 83 है, PHVH के लिए 51 है, SC के लिए 1,184 है, ST के लिए 286 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2,760 है। तो टोटल 5,778 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसके लिए आपसे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 10,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। OC OBC मेल के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। SC ST PH फीमेल कैंडिडेट को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। apost.in/GDS online इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। डेट की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 दिसंबर 2019 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 दिसंबर 2019 है। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक इन द सर्कल। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर चेक कर सकते हो। यहाँ पर इसकी डेट रीओपन कर दी गई है। जो पहले डेट थी उसको बढ़ाकर अब दिसंबर 2019 कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। नोटिफिकेशन में प्रीवियस डेट दी गई है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। सिलेक्शन से रिलेटेड क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राइट साइड में देख सकते हो वेस्ट बंगाल सर्कल, इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 5/12 थी, लास्ट डेट 14/12/2019 है। ये भर्ती रीओपन हुई है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक सबमिट कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे कि स्टेप फर्स्ट फिल एप्लीकेशन, आपको फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना होगा। स्टेप सेकंड में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे जो जो इसमें मांगे गए हैं। स्टेप थ्री में आपको सबमिट पोस्ट प्रेफरेंस करना होगा, उसके बाद आपको प्रीव्यू चेक करना होगा और प्रिंट आउट ले लेना होगा। ऐसे आप इस भर्ती के लिए सिंपली यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन करने के लिए स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनको फॉलो करने के बाद सिंपली अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।